और भाई कैसे हो? अरे हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसे कि आप सबको पता ही है कि करेंसीज़ काफ़ी नीचे जा रही हैं। सभी ऑलमोस्ट 95% ऑफ द करेंसीज इस वक्त नीचे जा रही हैं। एच बार इस वक्त चल रहा है 15.89 पे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम 1 जुलाई 2 जुलाई तक वेट करेंगे। जब भी हमें इसमें पंप मिलेगा हम इसको सेल कर देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच बार की कंडीशन वी नो कि आने वाले टाइम में, कुछ ही दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते जो बचे हैं, 30 तारीख, इसके जो जितने सारे इवेंट्स हैं वो आने में, तो इसकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। साथ के साथ विंग कॉइन की कंडीशन भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर मैंने आपको याद हो, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं मेरे चैनल के, तो आपको पता होगा कि विंग के बारे में भी मैंने बताया थे कि कितने इवेंट्स आ रहे हैं, वो भी 30 जून को ही आ रहे हैं। तो इन दोनों करेंसीज़ पे अभी हम पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। 2 हफ्ते पूरा ट्रस्ट करेंगे, पर जहाँ प्रॉफिट दिखे वहाँ बेच देना है, ज़्यादा प्रॉफिट की वेट नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है हमको। तो अभी ये जो करेंसीज नीचे जा रही हैं इसका रीज़न क्या है, तो एक बार वो देख लेते हैं क्यों करेंसीज ये नीचे जा रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे न्यूज़ आई है कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा क्या कह दिया। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिससे क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वालों को लगा झटका, बिटकॉइन में आई बड़ी गिरावट। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह दिया वर्ल्ड बैंक ने, क्या हो गया ऐसा हंगामा। करेंसीज थोड़ा थोड़ा अच्छी हो रही थी बट वापस से नीचे हुई, तो क्या हुआ? क्रिप्टो करेंसी बाज़ार में आज भी गिरावट का दौर जारी है। बिटकॉइन, इथीरियम समेत अन्य टॉप करेंसीज आज लाल निशान पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में बिटकॉइन के भाव में करीब 3% की गिरावट आई है। टेस्ला के बाद एल सेल्वाडोर ने बिटकॉइन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की इस टॉप क्रिप्टो करेंसी में कुछ खास तेज़ी नहीं देखने को मिली है। संस्थागत निवेशक अभी भी इसके भविष्य को लेकर पशोपेश की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। पिछले दिनों के मुकाबले शुक्रवार को वैश्विक क्रिप्टो करेंसी का कुल मार्केट कैप करीब 2.39% कम होकर 1.57 लाख करोड़ डॉलर पर है। बीते 24 घंटे में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम भी 11.89% की गिरावट के साथ 78.55 अरब डॉलर पर है। तो देखिए आप कितनी गिरावट आ रही है इसमें। स्टेबल कॉइन्स के वॉल्यूम की बात करें तो यह भी 61.42 अरब डॉलर पर है, जो कि कुल क्रिप्टो वॉल्यूम का करीब 78.19% है। तो आगे देख लेते हैं कि क्या है रीज़न, क्या कह दिया है वर्ल्ड बैंक ने। ऊपर तो उन्होंने सिचुएशन बताई है कि क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, बिटकॉइन को लेकर एल सेल्वाडोर की मदद नहीं करेगा विश्व बैंक। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक। एल सेल्वाडोर में बिटकॉइन को मान्यता देने के बाद विश्व बैंक ने भी एक बड़ा बयान दिया है। बयान क्या है? विश्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण और पारदर्शिता को लेकर चिंता के बीच वो एल सेल्वाडोर को बिटकॉइन के फैसले पर मदद नहीं कर सकता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि बिटकॉइन के जो माइनिंग होती है उसमें जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है, उस वजह से वो एल सेल्वाडोर को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एल सेल्वाडोर ने, अब जैसे कि आपको मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन को एक प्रॉपर टेंडर, लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। हाल ही में एल सेल्वाडोर ने सरकार ने एक बिल पास कर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। यहाँ के लोग अब अमेरिकी डॉलर के अलावा बिटकॉइन में भी लेन देन कर सकते हैं। टेस्ला ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अब पेमेंट के तौर पर बिटकॉइन नहीं स्वीकार करेगा। टेस्ला का यह फैसला पर्यावरण की चिंताओं को लेकर आया है। ठीक है, सो सारी न्यूज़ मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, अभी ये आर्टिकल में बन के आई है। और अब वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया है कि वो एल सेल्वाडोर को सपोर्ट नहीं करेगा, जिस वजह से ये सारी गिरावट आ रही है। आगे हम यहाँ पे देखें तो ये सारी गिरावट की परसेंटेज उन्होंने बता रखी है कि बिटकॉइन 3.03% गिरा है और अब इतने डॉलर पे आ रहा है, इथीरियम इतना गिर गया, इतने पे आ गया, ये सब परसेंटेजेस हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल, हम लोग वजीरेक्स में ट्रेड करते हैं तो डॉलर में देखने का इतना कोई वो नहीं है, बट हाँ अगर आप देखना चाहें तो ये मैं स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगा दिया, आप इसको देख सकते हैं। तो कितना कितना देखिए परसेंट गिर चुका है वर्ल्ड बैंक के इस बयान से। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, न्यूज़ आपके लिए
जानकारी वाली रही होगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।